अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पसंद है मोनिशा? हाँ, मुझे मोनिशा पसंद है। वो मायने रखती है तुम्हारे लिए? मोनिशा मेरे लिए मायने रखती है। गलत किया मोनिशा के साथ, बहुत अच्छी लड़की है वो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मोनिशा को भी हर्ट नहीं कर सकता। ये रो क्यों रही है? हाँ, इसकी आंखों में आंसू भी है और आरवी भी तक अंदर तक नहीं आया, दूर से ही जा रहा है, घर पे भी नहीं आया। हुआ है क्या इन दोनों के बीच? और क्या, तभी तो छोड़ के गया है, अंदर तक नहीं आया। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, तो कुछ तो हुआ है, कोई जो बहुत बड़ी बात हुई है। पक्का पक्का, पहली बार लड़की घर आ रही है शादी के बाद और आरवी घर के अंदर तक नहीं आया, बाहर ही छोड़ के चला गया और वो भी रोते रोते आ रही है। पूर्वी कुछ बात जरूर है। तुमने मुझे दुख दिया, दर्द दिया, धोखा दिया और अब मैं तुम्हें सब कुछ हजार गुना ज्यादा दूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे इस इल्जाम की वजह से मेरी बहन के साथ क्या हुआ? तुम्हारे इस झूठे इल्जाम की वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया और जो मेरी बहन के साथ हुआ सेम तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता है। मेरे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार्ट अटैक आ गया। जैसे मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था वैसे तुम्हारे वो दादाजी टंडन जी उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है। मेरी माँ जो सबकी फेवरेट हुआ करती थी, जिनसे पूछे बिना कोई फंक्शन नहीं होता था, सब उनसे पूछती थी कि क्या करना है, कैसे करना है, तुम्हारे झूठे इल्जाम की वजह से उनको मंदिर से निकाला गया। जैसे मेरी माँ सबके सामने जलील हुई थी वैसे तुम्हारी माँ को गालियां देके समाज से बाहर कर देंगे। रियल शैतान तो तुम तब देखोगी जब मैं पूर्वी के साथ सुहागरात मनाऊंगा और अगले दिन उसको छोड़ूंगा। यहीं तक साथ आना था, इससे आगे नहीं आ पाऊंगा। मटर पनीर, छोले, खीर तो फ्रिज में है, वो रहने देती हूँ। और ये बस,
पनीर का पुलाव। बस अब पूर्वी आ जाए जल्दी, सब तैयार। खुशी, खुशी। हेलो माँ, कहाँ रह गई तू? जल्दी आ जा, पूर्वी भी किसी भी वक्त आती होगी। क्यों, अब तक नहीं आई? नहीं, वो बस आ रही है, तू जल्दी आ जा। हेलो खुशी, क्या हो गया, तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है, सब ठीक है? माँ मैं आ रही हूँ, पर अब प्लीज पूर्वी से कुछ कहना मत। मतलब कोई बात है, कुछ हुआ है तो मुझे बता। नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब है कि आप भी उसे कुछ मत कहना, क्योंकि वो लेट आ रही है ना, इसलिए कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, चल तू आ जा जल्दी, आ जा। आ जाओ। अच्छा वो आ गई, पता कब से वेट कर रहे थे। पूर्वी आ गई है ना तू, पता है हमने भी मिस किया था। बस अब बस चल अंदर चल। प्राची शादी के अगले दिन ही रोना धोना शुरू, पक फेरे में इतनी जल्दी? हाँ क्या मतलब? अरे मतलब तो ये बताएगी ना, पूर्वी पूछ अपनी बेटी से पक फेरे के लिए आ गई, वो भी अकेले। हाँ हाँ पूछना, पूछ अकेले क्यों आई है? आपको कोई काम धंधा नहीं है, अपने अपने घर परिवार है ना आपके पास, तो वहाँ जाइए अपना काम कीजिए। दूसरों के परिवार में दखल अंदाजी करना आपका फेवरेट काम है ना, अपने घर जाइए और वहाँ ध्यान दीजिए। सही कह रही है प्राची, पूर्वी कब आई, क्यों आई, किसके साथ आई, अकेली आई कि नहीं आई, आप लोगों दूसरे घरों के बारे में कितनी पंचायती क्यों है? अरे आंटी जी आप अपने घर जाके अपने परिवार को संभालिए ना, आपके घर में बेटियां हैं ना पूर्वी दी जैसी, तो जाइए ना उनको देखिए। लो भाई नेकी कर और कुएं में डाल, हम तो भला करने की सोच रहे थे आप सबके लिए। माँ बेटी रोए जा रही थी तो पूछेंगे नहीं क्या, और वो भी अकेली आई है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है इन दोनों के बीच में, तभी तो वो हमारी पूर्वी को छोड़ गया और वापस चला गया। सुन रही हूँ ना, हम भला चाहते हैं इसीलिए कह रहे हैं। रियल शैतान तो तुम तब देखोगी जब मैं पूर्वी के साथ सुहागरात मनाऊंगा और अगले दिन उसको छोड़ूंगा। वो नहीं आया क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम था, उसने मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि पूर्वी के साथ नहीं आ पाएगा। मिल गई इन्फॉर्मेशन, खुश हो गई आप? लो कर लो बात, घर वालों को इतना भी नहीं पता कि इनका दामाद आया था। अरे पूर्वी को बुई चौराहे पे छोड़ के ही चला गया, हमने अपनी आंखों से देखा है। जरूर इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।